डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉल हैज फॉलन। तो हमने यहाँ पे यही वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है थ्रू विच द बॉल हैज फॉलन। ओके मींस हाइट हमने फाइंड करना है। तो मेरे साथ फार्मूला है कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अच्छा इसको मैं वर्टिकल, फॉर वर्टिकल आई विल राइट लाइक दिस, ए वाई एस वाई यू वाई वी वाई माइनस यू वाई स्क्वेयर। अच्छा ए वाई बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, जब बॉल नीचे की तरफ आ रहा है इट मीन्स माई जी वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ओके एस वाई इज दिस एच हाइट सो इट विल बी एच। अच्छा वी वाई स्क्वेयर सो वी वाई स्क्वेयर मेरे साथ उसी तरह आ जाएगा, वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई कितना होगा इनिशियल, यहाँ पे मेरे साथ वाई कंपोनेंट क्या है इनिशियल वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का मैस क्या, नहीं नहीं आप फिर वही गलती कर रहे हो मेरे साथ, यहाँ पे वाई कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो है, यहाँ पे मेरे साथ 8.2 इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ओके तो ये मेरे साथ जीरो हो जाएगा। तो अच्छा वी वाई मुझे उन्होंने गिवन है एंड दैट इज 14.2। अच्छा मेरे साथ वी वाई में मैंने क्वेश्चन वन पार्ट फर्स्ट में फाइंड कर दिया था एंड दैट इज 14.2। अच्छा हाइट मैंने फाइंड करना है बस सिंपल 14.2 स्क्वायर। नहीं 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 यहाँ पे हमने फाइंड करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे लेकिन मैंने उस यानी मैंने आपसे कहा था कि मैं लेट से ये मेरे साथ यू एक्स है सही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे साथ यू वाई क्या है जीरो है, इस पॉइंट पे मेरे साथ यू वाई जीरो है लेकिन जैसे मैं नीचे आता जाऊंगा तो यू एक्स मेरे साथ छोटा होता जाएगा और यू वाई मेरे साथ यानी ज्यादा होता जाएगा। तो पिछले केस में मैंने इसे यू ले लिया था, कंसिडर कर लिया था सही है पिछले केस में सही है। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ यू एक्स इतना होगा और यू वाई जीरो नहीं होगा बल्कि यू वाई की एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू कितनी होगी, वो मेरे साथ 14.2 मीटर पर सेकेंड होगी सही है, वो मैंने ये फाइंड कर दिया था सही है। अच्छा अभी ये फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं टू ए एस इज टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र, यू स्क्र मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी इतना हाइट कितना होगा, हाइट यानी यहाँ से मैं नीचे आ रहा हूँ यानी यहाँ से मैं नीचे आ रहा हूँ तो ये हाइट कितना होगा, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं v को यानी फाइनल वेलोसिटी कंसिडर कर लूंगा, यानी यहाँ पे मैं इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी मेरे साथ h दे देगा इस फॉर्मूले के थ्रू, समझ आ गया आपको। तो यहाँ पे मेरे साथ वी वाई यानी फाइनल वेलोसिटी 14.2, ये यू वाई मैंने लास्ट टाइम इसलिए यूज किया था मैंने आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे यानी इस पॉइंट पे यहाँ पे मेरे साथ यू वाई जीरो है फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और यू एक्स मेरे साथ छोटा होता जाएगा सही है, और यहाँ पे मेरे साथ यू वाई यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तो हमने वो सब कुछ फाइंड कर दिया था सही है। अच्छा इसको सॉल्व कर लो से क्या आता है, कर लिया आपने नोट कर लिए। अच्छा पार्ट पार्ट सी, अच्छा डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स। अच्छा मेरे साथ वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मेरे साथ फॉर्मूला है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स फाइंड करना है। अच्छा मेरे साथ वी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू टाइम टी। ओके यानी मेरे साथ जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये मेरे साथ वो फिगर में ड्रा कर देता हूँ, ये मेरे साथ यानी ये डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है। यहाँ पे मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो फाइंड करना है वी एक्स, और टाइम कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम दिया है तो वो मैंने फाइंड करना है। अच्छा टाइम मैं इस फॉर्मूले से फाइंड करूंगा यहाँ से, तो अच्छा यहाँ पे इसको मैं वर्टिकली यानी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम थी, तो मेरे साथ वी वाई कितना है, वी वाई मैंने फाइंड कर दिया था और वो मेरे साथ पार्ट फर्स्ट में कितना था 14.2 इज इक्वल टू जीरो प्लस 9.8 टी, सो इससे आपके पास टी आ जाएगा एंड दैट इज 1.448 सेकेंड, 1.448 सेकेंड। नाउ वी एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स टी, सॉरी वी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई टी बाई टी,
सो माई एक्स विल बी इक्वल टू वी एक्स ये टाइम, वही डिस्टेंस ही है ना, एक्स डिस्टेंस ही है ना। एक्स डिस्टेंस ही है, वही डिस्टेंस ही है। अच्छा वी एक्स कितना है, यानी यहां पे मेरे साथ वी एक्स कितना है या यू एक्स कितना है, यहां से बॉल नीचे फॉल कर रही थी तो यहां पे मेरे साथ यू एक्स कितना है वो मुझे गिवन है, एंड दैट इज 8.2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय हाउ मच टाइम इट टेक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो इट टेक 1.448 सेकेंड, 1.448 सेकेंड। सो इससे आपके पास आ जाएगा 11.88 मीटर, सो योर एक्स विल बी इक्वल टू 11.88 मीटर। हमने वो इनिशियल यू एक्स नहीं होना चाहिए था जो हमने वी एक्स लिया है 8.2। आप इसको यू एक्स कर दे अपने आसानी के लिए, यू एक्स जी। तो इस पॉइंट से यानी यहां से यहां तक कितना टाइम कितना लिया है और डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा आपके जहन में आया ये बात, ये क्वेश्चन एराइज होगा कि यू एक्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि यू एक्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, सही है, यानी यू एक्स कंपोनेंट मैंने क्यों लिया। तो यहाँ पे मैंने मेरा एक्स किस मेरा एक्स इस डायरेक्शन में है, सही है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो मैंने लेना है और टाइम कितना लेगा तो वो मैं लूंगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे साथ एक्स आ जाएगा, यानी यहाँ पे मैंने यू एक्स लिया है ना, तो इस एक्स की वजह से हाइट के लिए मैंने क्या लिया था, यू वाई लिया था और वी वाई लिया था क्योंकि हाइट इस डायरेक्शन में था, हाँ वो वर्टिकल में था जी। लेकिन जी आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि मोस्टली केसेस में हम यानी वर्टिकल लेते हैं जिसमें एक्सेलेशन हो, यानी ये फार्मूला हो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस फार्मूले में एक्सेलेशन है, तो मैं ये हमेशा वाई के लिए यूज करूंगा पैराबोलिक में, क्योंकि ए वाई में सर जी के इक्वल होता है, तो इस एडवांटेज को हासिल करने के लिए मैं इसको वाई के लिए मोस्टली यूज करता हूँ। और दूसरा फार्मूला जो मेरे साथ था टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, उसमें भी एक्सेलेशन है, तो वो भी मैं हमेशा वाई कंपोनेंट के लिए यूज करता हूँ। एक्स कंपोनेंट के लिए मैं हमेशा यानी बहुत कम ये फार्मूले यूज करता हूँ, इसके लिए मैं या ये सिंपल यूज कर लेता हूँ, ये सिंपल सिंपल से फार्मूले एक्स के लिए हम यूज करते हैं, तो जिस फार्मूले में भी एक्सेलेशन होगा तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि वो हमेशा हम वाई कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं। वाई कंपोनेंट के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उससे हमारे पास एक एडवांटेज हम गेन कर लेते हैं, वो कौन सा एडवांटेज, जी की वैल्यू हम उससे गेन कर लेते हैं। तो इस कंसेप्ट को आपने ध्यान में रखते हुए आप न्यूमेरिकल को जब भी सोल्व करो तो इस कंसेप्ट से सोल्व कर लिया करो, सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पार्ट बी, इस क्वेश्चन का पार्ट बी, द पाथ ऑफ द बॉल इज ए विद एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 8.2 इज शोन अगेन इन फिगर 3.2, ऑन अ कॉपी ऑफ फिगर 3.26 स्केच द न्यू पाथ ऑफ द बॉल फॉर द स्केच द न्यू पाथ ऑफ द बॉल फॉर द बॉल हैविंग एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड ग्रेटर देन 8.2 मीटर पर सेकेंड विद ए नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस लेवल दिस। अच्छा ये जो हमने फाइंड किया था, ये जो अभी हमने पार्ट फर्स्ट में किया है, वो हमारे पास वहां पे हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जीरो था, सही है। तो यहां पे ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप यानी ग्रेटर देन 8.2 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड इनिशियल स्पीड अगर मैं ज्यादा कर दूं 8.2 मीटर पर सेकेंड से, तो विद एन नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, तो आप ये दो पॉइंट से अपने साथ लिख लो, अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओनली अफेक्टेड बाय एयर रेजिस्टेंस, और वर्टिकल कंपोनेंट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। अच्छा, यहां पे ये लोग कह रहे हैं कि आप यानी वेलोसिटी को 8.2 से इंक्रीज कर लो, सही है, विद एन नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, यानी पहले केस में भी एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल था, यहां पे भी कह रहे हैं कि यानी एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, सही है। अच्छा वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट को कौन इफेक्ट करता है, विच ज्यादा बड़ा कर्व बन जाएगा वो ज्यादा देर बाद आके बनेगा जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, इस तरह बनेगा, सही है। अच्छा कर्वेचर जो होगा कर्वेचर सेम होगा, यानी कर्वेचर सेम हो क्योंकि ग्रेविटी उस केस में भी सेम था, इस केस में भी सेम है। अच्छा इस केस में क्या हो गया, इस केस में हमने इनिशियल वेलोसिटी 8.2 था पहला, पहले हमने अभी बढ़ा दिए 9 कर दिए या 10 मीटर पर सेकंड कर दिए, तो उसकी वजह से
ये इस तरह आ गया, सही है। अच्छा अभी कह रहे हैं इक्वल टू 8.2 बट विद एयर रेजिस्टेंस लेवल दिस पाथ छोटा हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात सही है। क्यों छोटा हो जाएगा? जी बिल्कुल, एयर रेजिस्टेंस, जी बिल्कुल, एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट उसका इफेक्ट कर लेगा, तो उसकी वजह से हॉरिजेंटल यानी कम, ये मेरे साथ एक्स है सही है, तो ये एक्स छोटा हो जाएगा। समझ आ गया आपको? कोई क्वेश्चन? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। अच्छा ए स्टूडेंट हैज बीन आस्क्ड टू डिटरमाइन द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए टॉय कार, दिस इज टॉय कार एज इट मूव डाउन ए स्लोप, ही सेट अप द एपरेटस एज शोन इन फिगर 3.27, द टाइम टी टू मूव फ्रॉम रेस्ट, अच्छा द टाइम टी टू मूव फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए डिस्टेंस डी, थ्रू ए डिस्टेंस डी इज फाउंड फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ डी, ए ग्राफ ऑफ डी वाई एक्सिस इज प्लॉटेड अगेंस्ट टी स्क्वायर एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, यहां पे मुझे फिगर ये वाला है। अच्छा थ्योरी सजेस्ट दैट द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, नेम द फीचर ऑन फिगर 3.2 एट दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। अच्छा पहले आप रैंडम एरर किसे कहते हैं और सिस्टमैटिक एरर किसे कहते हैं वो आप थोड़ा सा समझ लो। अच्छा जी जी बिल्कुल, चैप्टर 2 के अंदर है, वहां पे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो कि किसे कहते हैं। वैसे आपको पता है किसे कहते हैं? नहीं पता? अच्छा रैंडम एरर अकर ड्यू टू नॉइस, टेम्परेचर, डेंसिटी, उसकी वजह से होते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल अभी आप अपने रूम में बैठे हो, सही है, इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, एक स्पेसिफिक डेंसिटी है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है यहाँ पे, सही है। अच्छा यहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सही है, यहाँ पे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू आप मैयर कर लो, सही है, आपके पास कोई ना कोई उसकी वैल्यू आ जाएगी, स्पेसिफाइड वैल्यू, सही है। अच्छा उसके बाद, अच्छा लेट से आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ओम ला वी इज़ इक्वल टू आई आर, सही है, ओम ला आपने पढ़ा है ना पहले। अच्छा लेट से आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसको प्रूफ कर रहे हो कि वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आई, जितना मैं वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा करंट मेरे साथ बढ़ता जाएगा, सही है। इफ द रेजिस्टेंस इज कीप कांस्टेंट, सही है। अच्छा यहाँ पे एक और कंडीशन भी है कि टेम्परेचर भी आप कांस्टेंट रखोगे, सही है, तब ये ला वैलिड होगा। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट ना रखो तो उस टाइम ये ला मेरे साथ वैलिड नहीं होगा, सही है। यानी आप इस रूम में इसको कर रहे हो, सही है, लेकिन कहीं और पे चले, कहीं और किसी और रूम में चले जाओ, सही है, और वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कर लो, तो वहाँ पे टेम्परेचर कोई और टेम्परेचर होगा, सही है, और वहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू आ जाए तो वो वैल्यू डिफरेंट होगी इस वैल्यू से जो आप अपने रूम में कर रहे हो। तो ये एज ए सॉर्ट ऑफ रैंडम एरर है उसमें आ गया, यानी सिस्टमेटिक एरर ये नहीं है। डिफरेंट रीडिंग आई, बिल्कुल, तो ये मेरे साथ रैंडम एरर है, सही है। अच्छा इसको किस तरह हम रिमूव करेंगे? इसको फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, बहुत सारे, एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर लो, दोबारा दोबारा उसका, फिर आपने मीन लेना है, जो मीन आप ले लोगे तो बस वही फाइनल वैल्यू आपकी होगी, सही है। अच्छा सिस्टमेटिक एरर एज द नेम शो, इट इज एरर विच अकर ड्यू टू द सिक्स सिस्टम, मेजरिंग सिस्टम, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके पास उसकी वजह से जो एरर अराइज होंगे वो सिस्टमेटिक एरर होते हैं, सही है। अच्छा सिस्टमेटिक एरर के, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपका जो वर्नियर के लिए पर है उसमें एक मेन स्केल होता है और एक हमारे पास मूविंग स्केल होते हैं, क्या वर्नियर स्केल इस तरह होता है ना, सही है। मेन स्केल कौन सा है इसमें? ऊपर कौन सा है? वो वन ईयर स्केल नहीं, ये मेन स्केल या ये मेन स्केल है, ए मेन स्केल या बी मेन स्केल है,
अच्छा, ये बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा लिट से ये मेरे साथ कॉन्साइड हो रहा है इसके साथ, सही है? ये तो इसमें एरर है, ये मेरे साथ जीरो है, ये मेरे साथ वन है, ये मेरे साथ टू है, ये मेरे साथ थ्री है। अच्छा इस मेन स्केल का जीरो वन या स्केल की जीरो से कॉन्साइड नहीं हो रहा, इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एरर। विच टाइप ऑफ एरर? सिस्टमेटिक एरर, सही है? अच्छा ये, अच्छा इसको हम किस तरह रिमूव करेंगे जब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाए? अच्छा दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज पॉजिटिव एरर। मुझे याद नहीं है लेकिन आई थिंक इसको पॉजिटिव एरर कहते हैं। लेकिन अच्छा ये अगर ये पॉजिटिव एरर हुआ, सही है, ये पॉजिटिव एरर है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना डिजिट हमसे कॉन्साइड हो रहे हैं? वन डिजिट। सो यू विल सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम योर फाइनल आंसर। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि सिस्टमेटिक एरर या वो किसे कहते हैं और उसको हम किस तरह रिमूव करेंगे। तो अच्छा तो ये मेरे साथ सिस्टमेटिक एरर। अच्छा सिस्टमेटिक एरर में दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑफसेट एरर और जीरो सेटिंग एरर, जिस तरह यहाँ पे जीरो सेटिंग एरर है, सही है? ये मेरे साथ जीरो सेटिंग एरर है, यानी मेरे साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको मैं बंद कर लूंगा और फिर जीरो को देखूंगा कि मेरे साथ जो मेन स्केल का जीरो है वो वन स्केल की जीरो से कॉन्साइड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो कौन से डिजिट्स मेन स्केल का, कौन सा डिजिट्स या मेन स्केल का जीरो, कौन से डिजिट्स वन स्केल के कौन से डिजिट्स के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्साइड हो रहे हैं, तो ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर की तरफ आ जाते हैं। सिस्टमेटिक एरर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑफसेट ऑफसेट एरर और जीरो सेटिंग एरर या जीरो सेटिंग एरर। दूसरा मेरे साथ होता है मल्टीपल और स्केल फैक्टर एरर। मल्टीपल और स्केल फैक्टर एरर यही दो टाइप्स के होते हैं। अच्छा मल्टीपल और स्केल फैक्टर मीन्स कि आपके पास कितना, यानी फॉर एग्जांपल कोई, यानी कितना स्केल, मैं अभी आपको, यानी एक फैक्टर होगा या एक स्केल फैक्टर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके फाइनल आंसर के साथ, सही है? यानी उस एरर को रिमूव करने के लिए हम एक फैक्टर लेंगे, कोई सा भी स्केल फैक्टर, तो वो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो हमारे पास फाइनल आंसर दे देगा। अच्छा इसका एग्जाम्पल मैं अभी अच्छा ये चैप्टर टू में शायद आ जाए, वहाँ पे हम फिर डिटेल में पढ़ लेंगे, सही है? लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लो, बस स्केल फैक्टर एक फैक्टर होगा, कोई सा भी नंबर होगा जो हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? सिस्टमेटिक एरर की वजह से, सिस्टमेटिक एरर की वजह से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आंसर के साथ, तो हमारे पास वो एरर रिमूव हो जाएगा। या अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट ले लो तो उसमें आपको पहले से असाइन होगा कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये, अगर ये कंडीशन आ जाए तो आप टू को मल्टीप्लाई कर लो, अगर ये कंडीशन आ जाए तो फाइनल आंसर को आप थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर लो, अगर ये कंडीशन आ जाए तो आप फाइनल आंसर को फोर के साथ, ये बस दफा वो इंस्ट्रूमेंट के साथ गिवन भी होते हैं इस तरह, सही है? तो ये वो स्केल फैक्टर एरर उसे कहते हैं या मल्टीपल फैक्टर एरर। अच्छा ये दूसरा टाइप जो है वो ऑफसेट एरर और जीरो सेटिंग एरर। तो यानी लेट्स से मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया, सही है, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया और उसका ग्राफ इस तरह आता है, यानी आइडियल केस में उसका ग्राफ इस तरह आना चाहिए, लीनियर आना चाहिए, सही है? अच्छा अभी उसमें कोई ना कोई एरर आ गया, सिस्टमेटिक एरर आ गया उसमें, जिसकी वजह से मेरे साथ उसका ग्राफ इस तरह आ रहा है, यानी जीरो से हट के आ रहा है, इस तरह आ रहा है या इस तरह आ रहा है, सही है? तो यह मेरे साथ ऑफसेट एरर है, उसमें ऑफसेट एरर, ये इतना पोर्शन जो ये ऑफसेट एरर है या ऐसा। अच्छा आपने ऑसिलोस्कोप को यूज किया, ऑसिलोस्कोप में ये इस टाइप के एरर बहुत ज्यादा होते हैं, ऑसिलोस्कोप विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ सिग्नल्स, तो उसमें इस टाइप के एरर बहुत ज्यादा होते हैं, ऑफसेट एरर। अच्छा डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ द ग्राफ इन फिगर 3.2। अच्छा इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है इस ग्राफ का, तो जब भी आपने कोई ग्रेडियंट फाइंड करना है तो उसके लिए यही फार्मूला, जब भी ग्राफ का स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करना है तो आपने ये फार्मूला हमेशा यूज करना है। एक हमारे पास होता है y = mx + c, ये फार्मूला आपने देखा होगा पहले। अच्छा ये फार्मूला बस टाइम आपको कंफ्यूज करेगा इस c की वैल्यू की वजह से, शायद आपने यूज किया हो आपको पता होगा, c की वैल्यू आपको कहां पे कंफ्यूज करेगा, c की वैल्यू आपको
अगर मेरे साथ ये लाइन स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो मेरे साथ सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू यहाँ पे इस केस में जीरो होगी, सही है। लेकिन व्हाट इफ माई स्ट्रेट लाइन पास फ्रॉम फ्रॉम क्रॉस द लाइन अदर देन ओरिजिन, सही है, देन जी जीरो को क्रॉस नहीं कर रहा, तो इस केस में मेरे साथ सी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। यहाँ पे जीरो इज इट्स विल इट्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, इस केस में जीरो के इक्वल नहीं होगा, सही है। और अगर हम यहाँ पे देख लो तो हमारे पास यहाँ पे भी जीरो से पास नहीं हो रहा। तो हमेशा आप इस तरह क्लियर करो कि इस टाइप के केसेस में आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज कर लिया करो कि वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, सही है। हमेशा ये यूज कर लिया करो इंस्टेड ऑफ वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी की जगह, सही है जी, उसकी जगह बस ये यूज कर लिया करो हमेशा। तो अच्छा कौन सा वाई वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, अच्छा ये मेरे साथ एक्स टू माइनस एक्स वन ये मेरे साथ एम की वैल्यू है, एक्चुअली ये मेरे साथ स्लोप की वैल्यू है, सही है। तो यानी एम की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे वैल्यू एम एक्स प्लस सी में, सही है। यहाँ से हम एम फाइंड कर लेंगे आपके फॉर्मूले से, जी बिल्कुल, आपने ग्रेडियंट ही निकालना है इसमें। लेकिन जो पार्ट टू है वहां पे क्या पूछा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, उसमें हमने एक्सेलरेशन को भी फाइंड करना है। तो ये तो मैं ग्रेडियंट इस फॉर्मूले से फाइंड कर लूंगा, वो तो बहुत इजी है, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए मुझे इक्वेशन की जरूरत होगी। यानी एक्सेलरेशन में सर किसकी इक्वल है, डी वी डिवाइड बाई डी टी, तो जो मेरे साथ इक्वेशन आ जाएगा वेलोसिटी का, जो इक्वेशन आ जाएगा उसका मैं स्लोप ले लूंगा तो मेरे साथ उसका मैं डेरिवेटिव ले लूंगा तो मेरे साथ एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा आपने ओ लेवल में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये सब कुछ किया है कि नहीं? अच्छा तो अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ग्रेडियंट, अगर मैंने जस्ट ग्रेडियंट फाइंड करना है तो आपने यही फॉर्मूला यूज करना है जो आपने मुझे अभी सजेस्ट किया कि y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ओके? लेकिन आपने अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपने अगर पार्ट टू में अगर एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है तो आपने बेस्ट यही हो कि इसका आप इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लो, सही है। तो अच्छा यहाँ पे मेरे साथ वाई माइनस वाई वन कितना है इस पॉइंट पे, वाई वन कितना है, जीरो, गुड। और एक्स वन अच्छा एक्स वन कितना है वो मेरे साथ यहां पे मेरे साथ वन आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, अच्छा फाइव 0.6 है, गौर से देख लो 1 इधर पे लेंगे ना, फिर आपने जी बिल्कुल जहाँ पे मैंने मार्क इससे पहले नहीं इस तो अच्छा x माइनस 0.6 हो जाएगा, सही है। अच्छा y2 क्या है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे y2 मेरे साथ 120 है, माइनस जीरो हो जाएगा। एक्स टू क्या है 12, माइनस 0.6 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, सही है। तो फिर अच्छा सिंप्लीफाई करने के बाद आपने एक्स की जगह टी स्क्वायर पुट करना है, एक्स की जगह आपने टी स्क्वायर और वाई की जगह आपने डी पुट कर लेना है, सही है। अच्छा क्या आया है आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आपको? करके 11.4 by is equal to 120x minus 72।
इलेवन बाय फोर, 11.4 बाय, नहीं होता नहीं, y इज़ इक्वल टू कौन सी वैल्यू आपके पास आया, y y इज़ इक्वल टू इट विल बी 120 डिवाइड बाय 12 माइनस 0.6, सो इट विल बी 10.5x माइनस 0.6 डिवाइड बाय 12 माइनस 0.6 0.05 नहीं सॉरी मल्टीप्लाई बाय 120 आल्सो, सो इट विल बी इक्वल टू 6.31 आपके पास ये आंसर आया है, सही है, आपके पास यही आया था। अच्छा यहाँ पे मेरे साथ y क्या है, y मेरे साथ है d इज इक्वल टू 10.5, x मेरे साथ क्या है, x मेरे साथ t स्क्वायर, सो मैं t स्क्वायर लिखूंगा माइनस 6.31, सही है। आपने इस तरह एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने, कोई क्वेश्चन, d d इज इक्वल टू 10.5 t स्क्वायर माइनस 6.31। अच्छा डी मेरे साथ ये वैल्यू है, यहाँ पे मेरे साथ ग्राफ में वाई वैल्यू, डी मेरे साथ डिस्टेंस है, तो अब ग्रेडियंट क्या होगा हमारे साथ? तो अच्छा मेरे साथ फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मेरे साथ था कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी मेरे साथ क्या आ गया, सी मेरे साथ आ गया 6.31 माइनस 6.31, एम क्या आ गया, एम मेरे साथ 10.5 जी, ग्रेडियंट मेरे साथ 10.5 है। अच्छा अब मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा आपने ये नोट करिए, मैं इरेज कर दूँ, अच्छा एक्सेलरेशन मेरे साथ किसकी इक्वल है, ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, एम आई राइट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाय डी टी, d is the derivative, d is your derivative, see, समझ आ गया कि नहीं? अच्छा acceleration को जी ये formula है, हम वैसे normal life में हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी लिखते हैं, सही है, लेकिन बस टाइम हम इसके दोनों को डेरिवेटिव ले लें, ऊपर भी डी लिख लें नीचे भी डी लिख लें, बस टाइम हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यानी ये डेरिवेटिव है उसका, आपने पढ़ा नहीं है डेरिवेटिव तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इसको हम इंजीनियर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अच्छा सिमिलरली वेलोसिटी को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय बॉडी डिवाइड बाय टाइम, सो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि डी एस डिवाइड बाई डी टी, नहीं ग्राफ से, मैं ग्राफ से मैंने ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर दिए, तो अभी मुझे ग्राफ की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मैं इस इक्वेशन को यूटिलाइज करूंगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्राफ, क्योंकि ये इक्वेशन मैंने ग्राफ से एक्सट्रैक्ट कर लिए, अभी मुझे ग्राफ अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन से मैं ग्राफ को भी ड्रा कर सकता हूं, आप नीचे x एक्सिस पे t स्क्वायर ले रहे हैं, y एक्सिस पे d ले रहे हैं, और t एक्सिस जो हमारे पास x एक्सिस होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, उस पर आप रैंडम वैल्यू पुट करते जाओ, आपके पास d की वैल्यू आती जाएगी और उसके थ्रू आप ग्राफ को ड्रा करते जाओ, सही है, यानी अगर वैसा ग्राफ ना भी हो तो मैं इस इक्वेशन से भी यानी फाइंड कर सकता हूँ ग्राफ, लेकिन यहाँ पे मेरा ग्राफ, अच्छा मेरे साथ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय बॉडी डिवाइड बाय टाइम, v इज इक्वल टू ds डिवाइड बाय dt, ओके, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर लूं तो क्या आ जाएगा, या सबर सबर इसको ना पुट करूं, अच्छा मैंने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी पहले फाइंड करना होगी, तो वेलोसिटी मैं इस फॉर्मूले से फाइंड करूंगा, इस फॉर्मूले से, सही है,
वेलोसिटी मैं इस फॉर्मूले से फाइंड कर लूंगा, उसके बाद एक्सेलेशन पर फाइंड करूंगा जो मेरे साथ वेलोसिटी की वैल्यू आ जाए। तो मेरे साथ यहाँ पे इक्वेशन क्या है, डी इज इक्वल टू, अच्छा इस डी को मैं एस का नाम भी दे सकता हूँ, सही है, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एस, क्योंकि डी इज आल्सो डिस्टेंस एंड एस इज आल्सो डिस्टेंस, सो एस इज इक्वल टू 10.5 टी स्क्वायर माइनस 6.31। तो इसका डेरिवेटिव ले लो तो क्या आ जाएगा, डी एस डिवाइड बाय डी टी, सो इट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10.5 टी 2 माइनस 1। अच्छा आपने डेरिवेटिव पढ़ा नहीं है तो आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं। लेट्स से आई हैव ए वेरिएबल एक्स एंड द पावर ऑफ एक्स इज एन, ओके, सो इफ यू वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू, इफ यू वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो आई विल राइट लाइक डी डिवाइड बाय डी एक्स इंटू एक्स एन, ओके, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये इसका डेरिवेटिव होगा। ये फॉर्मूला लिख ले आप अपने साथ, नोट कर ले, डी डिवाइड बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अच्छा अभी यहां पे देख लो, इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, सही है, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मैंने लिख लिया यानी एस के साथ मैंने डी डिवाइड बाई डी टी लिख लिया, सही है, तो इस पूरे का भी मैं डेरिवेटिव ले लूंगा, तो 10.5 कांस्टेंट है, यहां पे मैं लिख लूंगा कि डी डिवाइड बाई डी टी, तो एन क्या है यहां पे, इस केस में एन क्या है, 2 है, इस केस में एन क्या है मेरे साथ, इस केस में एन मेरे साथ है 2, इस केस में मेरे साथ एन क्या है, 2 है, सही है, जी बिल्कुल, टी की पावर 2 है और यहाँ पे एक्स की पावर एन है, जिस तरह मैं यानी अभी आपको मैं फॉर्मूला, अच्छा इस एक्स की जगह अगर मैं टी कर दूँ, लेट्स से इस एक्स की जगह मैं टी कर दूँ, सही है, तो 2 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा मेरे साथ, यहाँ पे यहाँ पे मेरे साथ 2 आ गया, सही है, पावर की जगह यहाँ पे जिस तरह एन यहाँ पे है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह मेरे साथ यहाँ पे 2 आ गया, सही है, उसके बाद हाँ बिल्कुल, अगर टी टी की पावर 3 होता तो यहाँ पे 3 होता, अगर टी की पावर 4 होता तो यहाँ पे 4 होता, मल्टीप्लाई बाय 10.5 वही जो कांस्टेंट था यहाँ पे वो मैंने साथ में लिख लिया, इंटू टी की पावर एन माइनस वन, t की पावर n माइनस वन, सो 2 माइनस वन यहाँ पे मैं लिखी, सही है, अच्छा यहाँ पे 6.31 के साथ क्या है, ये 6.31 के साथ मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि t की पावर 0, शायद आपने पढ़ा हो कि x नॉट मेरे साथ किसके इक्वल होता है 1, ये आपने शायद मैथ्स में पढ़ा हो कि x नॉट मेरे साथ 1 के इक्वल होता है, तो t नॉट मैं लिख सकता हूँ 6.31 के साथ, तो यहाँ पे n क्या है 0 है, और जब 0 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है आंसर, समझ आ गया आपको, अच्छा यहां तक समझ आ गया आपको, ऐसे नहीं कर सकते कि हम दो पॉइंट्स पे वेलोसिटीज की निकाल लें और फिर वो वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है vf - vi / t उससे कर लें, वैसे नहीं कर सकते, नहीं उस तरह भी आप कर सकते हो, अच्छा एक दूसरा तरीका, चलो आप इस तरह कर लें कि ये तरीका आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आपने डेरिवेटिव भी नहीं पढ़ा, तो अच्छा आप इस तरह कर लोगे कि डी लिख लोगे यहाँ पे, सही है, लिख लोगे यहाँ पे, सही है, यहाँ पे आप टी लिख लोगे, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी आ जाएगी और यहाँ पे एक्सेलरेशन, उससे फिर आपने ग्राफ ड्रा करना होगा, ये थोड़ा आपकी बात से ये इजी
तो आपका, अच्छा, इस तरह कर ले कि आप इस तरह कर ले कि टी स्क्वायर 0, 1, 2, 3 आप इस तरह कर ले कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये वैल्यूज ले लो, ले लोगे सही है। अच्छा, 0 पे जब टी स्क्वायर माइनस 7 0 होगा तो डी की वैल्यू क्या होगी? आप स्टार्ट 1 से ले रहे हैं। क्योंकि यहां पे जब मेरे साथ टी स्क्वायर 0 यहां पे आएगा नहीं, मुझे यानी टी इक्वल टू टी स्क्वायर 0 तब कहाँ पे होगा? तो वो ये ग्राफ मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरह। तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे मेरे साथ टी स्क्वायर 0 है तो डी की वैल्यू क्या है? वो माइनस में आएगा आपके पास, सही है? तो आप इस तरह कर ले के 0 से स्टार्ट ना लें, 0 से आप स्टार्ट ना लो, आप इस तरह कर लो कि 1 से स्टार्ट ले लो। सही है, आप 1 से स्टार्ट ले लो। अच्छा, एक वैल्यू 1 ले लो, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 4 हो जाएगा, 6, 8, 10, 12। अच्छा, यहाँ पे टी स्क्वायर आप कोई कोई वैल्यू भी ले लो, वो इफेक्ट नहीं करता, सही है? यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 4, 6, 8, आप कोई भी वैल्यू ले लो क्योंकि ये मेरे साथ इंडिपेंडेंट एक्सेस है, सही है? इंडिपेंडेंट एक्सेस, सही है? इस पे आप कोई भी वैल्यू ले, लेकिन डी की वैल्यू आपने अपनी मर्जी से नहीं लेना, डी की वैल्यू वही लेना है जो यानी टी स्क्वायर 1 पे डी की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे लिख लोगे, पे 2 पे क्या वैल्यू है, पे 4 पे क्या वैल्यू है, पे 6 पे, 8 पे, 10 पे और 12 पे, सही है? अच्छा, टी किसकी इक्वल है? आपने जो इन इन सब का अंडर रूट ले लेना है। सही है, हम बस ऐसे नहीं कर सकते कि हम डी की वैल्यू लें, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी टी है वो वैल्यू ले लें, ऐसे ही डी की एक और भी ग्राफ पर से ऐसे ही डी की एक और भी वैल्यू ले लें और टी ले लें, ठीक है? तो हम उससे वेलोसिटी निकाल लें डी ओवर टी से, तो ऐसे ही 2 दफा हम लेंगे तो फिर 2 वेलोसिटीज की हमारे पास आ जाएगी, ठीक यहाँ है? पे आपको तो नहीं, यहाँ पे आपको टी स्क्वायर गिवन है, सही? तो इसी वजह, अच्छा, यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ पे पर सेंटीमीटर है, इसका भी आपने बहुत केयर करना है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कि आया स्टूडेंट इस पॉइंट को नोट आउट कर रहा है कि नहीं, तो इन्होंने डी पर सेंटीमीटर गिवन है, तो आपने जो डी की वैल्यू आपके पास आ जाए तो उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो उसको आपने यानी फॉर एग्जाम्पल 80 आ जाए तो 80 पर सेंटीमीटर होगा, तो इसको आपने 80 पर मीटर करना होगा, तो क्या करना होगा? तो ये आपके पास 8000 पर मीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू मीटर। डिवाइड बाय 100 करेंगे।
80 पर सेंटीमीटर है, 80 डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर इसका मतलब है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स इसको आपने यानी केयरफुली सॉल्व करना है। यहाँ पे आप कंफ्यूज, आपने कंफ्यूज नहीं होना। 80 पर सेंटीमीटर, तो 80 डिवाइड बाय सबर 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 लेट से मैं 80 की वैल्यू ले लूं, ये वैल्यू मैं ले लेता हूं 80, सही है, ये 80 वैल्यू मैं ले लेता हूं, तो मेरे साथ डी डिवाइड बाय सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80, सही है, यानी डी डिवाइड बाय सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80। मैं इस तरह लिख सकता हूं, डी डिवाइड, डी यहाँ पे मुझे गिवन है कि डी यानी 80 किसकी वैल्यू है, डी पर सेंटीमीटर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हेलो क्या तो यही मतलब है ना, एक ही फर्क हुआ कि डी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, तो वो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा जी, सही है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 100 मीटर, सो इट विल बी इक्वल टू 0.8। अच्छा आपने यहाँ पे इन ब्रैकेट मीटर लिखना है, सही है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है सबको, डिवाइड बाय 100 करना है सबको, सही है। अच्छा टी आपने यहाँ पे टी फाइंड करना है, वो क्या जाएगा, 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 अंडर रूट 6 अंडर रूट 8 अंडर रूट 10 अंडर रूट 12 अंडर रूट। अच्छा वी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, डी डिवाइड बाय टी, सही है, तो डी डिवाइड बाय टी कर लोगे तो वो सारे वैल्यूज आपके पास यहां पे आ जाएंगे, सही है। अच्छा ए किसके इक्वल है, वी डिवाइड बाय टी, तो वो सारे वैल्यूज आप यहां पे लिख लोगे, क्या हमें एक्सेलरेशन से सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, तो सारों की एक ही वैल्यू आएगी आपके पास, फिर सही है, सारों की एक ही वैल्यू आपके पास आएगी। और वो वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, वो वैल्यू आपके पास अच्छा वो वैल्यू आपके पास 21 आनी चाहिए, सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सरों की एक ही वैल्यू आएगी, सही है। अच्छा अभी आपने ग्राफ किस तरह ड्रा करना है, इसके नीचे आपने ग्राफ किस तरह ड्रा करना है, तो आपने इसके नीचे ग्राफ किस तरह ड्रा कर देना है, एक ग्राफ वेलोसिटी का हो जाएगा, यहां पे आपने टी स्क्वायर और वेलोसिटी का ग्राफ ड्रा करना है, फिर दूसरा आपने टी स्क्वायर और एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रा करना है, सही है, तो इस तरह आप ड्रा कर लोगे, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अच्छा आप सॉल्व कर लो, कल मुझे दिखा देना कि इस तरह का ग्राफ मेरे साथ बने, फिर मुझे आप पिक्चर्स व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं देख लूँ कि आपने सही ड्रा किया या गलत, ये तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये इजीएस्ट यानी मेथड है एज कम्पेयर टू अदर मेथड, यानी जो दूसरा मेथड है
वो उससे ये आसान है, लेकिन दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग, वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा क्वेश्चन एट, अच्छा ए कार इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड एट स्पीड वी, ए हैजर्ड सडनली अपेयर इन फ्रंट ऑफ द कार, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन द हैजर्ड अपेयरिंग एंड द ब्रेक्स ऑन द कार कमिंग इन टू ऑपरेशन द कार मूव फॉरवर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 21.3, कार मूव फॉरवर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 21.3 मीटर विद द ब्रेक्स अप्लाइड, द फ्रंट व्हील ऑफ द कार लीव्स स्केट मार्क्स ऑन द रोड दैट आर 12.8 मीटर लॉन्ग एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.29। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ कार व्हेन हैजर्ड्स अपीयर। So it is estimated that during the skid, the magnitude of deep acceleration of the car is 0.85 g, where g is the acceleration of free fall. अच्छा find क्या करना होगा? Find हमने determine the speed v of the car before the brakes are applied. अच्छा part b में the time interval between the hazards appearing and the brakes during being applied. अच्छा यहाँ पे मेरे साथ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इस केस में? यहाँ पे मेरे साथ फाइनल वेलोसिटी होगी, यहाँ पे मेरे साथ इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे साथ क्या होगी इस केस में? नहीं, यहाँ पे मेरे साथ फाइनल वेलोसिटी जब गाड़ी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी इस केस में, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पे they are asking about the determine the speed v of the car before the brakes are applied. कहाँ पे brakes applied कर रहे हैं? यहाँ पे वो brakes को apply कर लेते हैं, तो skids mark यहाँ से start हो जाते हैं, सही है? यहाँ पे brakes apply कर लेते हैं, उसके बाद skids mark यानी वो हो जाते हैं। तो मेरे साथ formula है कि u plus, यहाँ पे मुझे time given नहीं है तो इस वजह से मैं इस formula को use नहीं कर सकता। दूसरे formula को देख लेते हैं, 2as is equal to v square माइनस यू स्क्वायर, एस भी गिवन है, अच्छा एक्सलेशन भी गिवन है एंड दैट इज 0.85, फाइनल जीरो हो जाएगा और यू मुझे फाइंड करना है। तो टू, अच्छा यहाँ पे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन, सो इट विल बी डिक्लेरेशन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 0.85। नहीं नहीं ये माइनस में होगा, एस क्या होगा इस केस में? नहीं एस, अच्छा यहाँ पे पोजीशन ऑफ द कर्व व्हेन हैजर्ड्स अपीयर, सही है, यहाँ पे उसे पता लग गया कि हैजर्ड्स अपेयर हो गए हैं यहाँ पे, सही है, लेकिन यहाँ पे इस या यानी ए पॉइंट से उसने ब्रेक्स ले लिए जिसकी वजह से स्किड्स मार्क्स आ गए। जी बिल्कुल, तो इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा आपके पास? 14.6, सही है। तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा ड्यूरिंग अप्लाइड व्हेन द ब्रेक्स बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, अच्छा अच्छा वो यानी गाड़ी यहाँ से जो गाड़ी आ रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 14.6 में आएगी, यहाँ पे 14.6 होगी उसकी स्पीड, तो उसके बाद वो यानी गाड़ी का जो ड्राइवर वो ब्रेक ले लेगा और उसकी स्पीड कम होते होते यहाँ पे जीरो हो जाएगी, सही है। अच्छा अभी क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, द टाइम इंटरवल बिटवीन द हैजर्ड्स अपीयरिंग एंड द ब्रेक्स बीइंग अप्लाइड, यहाँ पे ब्रेक्स उन्होंने अप्लाइड कर दिए और यहाँ पे हैजर्ड्स अपीयरिंग है, यानी यहाँ पे हैजर्ड्स अपीयरिंग है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि u इज इक्वल टू x डिवाइड बाई टी, सो माई एक्स सो माई टी विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाई यू, सो x इज 29.3 इन दिस केस एंड माई u will be 14.6, so it will be equal to 2 second. Acha, the legal speed limit on the road is 60 km per hour,
Use both of your answer in A to comment on the standard of the driving of the car. अच्छा 60 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमने इससे पहले जितने स्पीड्स भी हमने डील किए हैं वो हमने मीटर पर सेकंड में डील किया है, तो आप भी इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, फिर मुझे बता दो क्या आंसर आता है आपका। सिक्सटी किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। अच्छा क्वेश्चन को रीड कर लो और मुझे इसका आंसर आपने बताना है। पार्ट बी का लीगल स्पीड लिमिट कितना है रोड पे? नहीं 60 नहीं, मीटर पर सेकंड में मुझे बता दो। 16.67 तक आप अपनी स्पीड को ले जा सकते हो। और यहाँ पे ड्राइवर का स्पीड कितना था? 14.6। तो क्या कमेंट करोगे आप? ड्राइवर तो स्पीड लिमिट में था, यानी ड्राइवर का स्पीड कितना था? ड्राइवर का स्पीड था 14.6, जबकि उस रोड पे लिमिट कितना था? उस रोड पे लिमिट था 16.67 मीटर पर सेकंड। तो ड्राइवर तो स्पीड लिमिट में था, लेकिन उसके बाद ही उसने क्यों इंसिडेंट कर दिया यहाँ पे, स्किड क्यों अपेयर हो गया यहाँ पे, स्किड सॉरी। नहीं बहुत स्पीड से तो नहीं आ रहा था, बहुत स्पीड से आ रहा था। हाँ स्पीड लिमिट के अंदर अंदर मीन्स उसे अलाउ था वो, यानी ड्राइवर जो था वो तो स्पीड लिमिट के अंदर अंदर आ रहा था, उसने तो स्पीड को क्रॉस नहीं किया था। अगर 16.67 से ज़्यादा वैल्यू आता तो हम ये कह सकते थे कि नहीं उसने स्पीड लिमिट को क्रॉस कर लिया था, तो उसी वजह से उसके यहाँ पे यानी हैजर्ड्स यानी स्किड्स मार्क्स हुए हैं यहाँ पे। तो अच्छा आप लिख लो ये, नोट कर लो। So the driver driving within the speed limit, but the reaction is too slow. उसने reaction बहुत slow लिया है, उसको reaction जल्दी लेना चाहिए था। Means too long, but the reaction is too slow means too long. उसने बहुत कम time में reaction लिया है, अगर वो पहले से reaction ले लेता तो फिर ये skids marks ना होते यहाँ पे। Means too long. यानी too long, यानी यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना आया? 2 seconds आया है यहाँ पे। उसको रिएक्शन 2 seconds से कम पहले ले, he need to take time less than 2 seconds. So the driver driving within the speed limit, but the reaction is too slow means too long. 2 seconds in bracket 2 seconds लिखो. He need to take time less than 2 seconds. अच्छा next question, question 9. And the part B of this question is too much important, क्योंकि past paper में 2013 में यह question आया था। Part B, part A, define velocity acceleration, ये आपको आते होंगे, आते हैं कि नहीं? नहीं part A। जी 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 आता है। अच्छा पार्ट बी, यूज फिगर 3.30 टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द वेलोसिटी ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 सेकेंड ऑफ द मोशन शोन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अच्छा एम ने सर गिवन है, एम कितना है? 1500 किलोग्राम, ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, डेविएशन विद टाइम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द कार इज शोन इन फिगर। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि यूज फिगर 3.30 टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली नॉट क्वांटिटेटिवली, सही है? आपने टेबल ड्रा नहीं करना, क्वालिटेटिवली द वेलोसिटी ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 सेकंड ऑफ द मोशन शोन। अच्छा 6 सेकंड ऑफ द मोशन शोन, यानी ये पूरा मैंने
क्वालिटेटिव आंसर देना है इस पूरे कर्व का, सही है? गिव रीजन ऑफ योर आंसर जी। तो आप क्या कमेंट्स करोगे इस कर्व पे? सही है। नहीं, यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ जा रही है। यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ अगर जाती तो इस, अगर यह होता तो फिर हम यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ ये ट्रेवल कर रही होती, सही है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है, नहीं नहीं यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? When a body cover equal distance in equal interval of time. When a body cover equal distance in equal interval of time, that is known as uniform velocity. जो मैंने curve ड्रा किया है, so in this case, in my curve, the body is covering equal distance in equal interval of time. But in book's curve, जो book का in black curve, the body is not covering equal distance in equal interval of time. अब interval 0 to 1 को देख लो तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितना इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी इतना 20 पॉइंट समथिंग, ओके 20 पॉइंट समथिंग। अच्छा अब 1 टू 2 के दरमियान देख लो, 1 और 2 के दरमियान इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये इक्वल तो नहीं हुआ, सही? इक्वल नहीं हुआ, चेक कर लो खुदी, इक्वल नहीं है। तो इन अकॉर्डिंग टू ब्लैक कर्व द बॉडी कवरिंग मोर डिस्टेंस इन इन लेस टाइम, so it means its velocity is higher up to 3 second, in it means up to 3 seconds uski velocity high hai, increase, yeah, but after 3 second it moving with a decreasing velocity, uska speed jo hai wo kam hota ja raha hai 3 second ke baad, because it covering less distance in more interval of time, yeah, in max, yeah, यानी यहाँ पे वो लेस डिस्टेंस को कवर कर रहा है ज़्यादा टाइम में। अच्छा कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 टू टी 1.5, किस तरह फाइंड करोगे? बिल्कुल यही बनेगा। ओह सॉरी 1.5 पे ये हो जाएगा। तो आप वो वाला फार्मूला यूज कर ले जो मैंने आपको बताया था कि, अच्छा आप किस तरह फाइंड करोगे आप मुझे बता दो। तो पहले 1.5 तक इसमें जो डिस्टेंस है वो 42 जी, बस ये आपके पास एवरेज आ जाएगा, एग्जैक्टली इस तरह करना है। अच्छा शो दैट द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टी 1.5 सेकंड एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकंड इज -7.2 मीटर पर सेकंड। अच्छा माइनस क्यों है ये आप खुद ही शो कर लोगे कि किस तरह शो है, लेकिन माइनस क्यों है जो मैं, इसका आंसर क्या होगा, माइनस क्यों है? डीएक्सेलरेट कर रहा है, गुड। सो ये आप खुद ही कर लो, शो दैट एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन इस दिस एंड दिस टाइम इज -7.2 मीटर से। अच्छा कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द कार बिटवीन टी इज़ इक्वल 1.5 एंड टी इज़ इक्वल 4। अच्छा यहाँ पे मेरे साथ एवरेज फोर्स क्या होगा, एवरेज फोर्स मेरे साथ एफ एवरेज आप लिख लोगे इज इक्वल टू एम ए एवरेज, तो ए एवरेज आपके पास पार्ट 3 में आ जाएगा, सही है? तो एम आपको गिवन है, एफ एवरेज 1500 था और ए एवरेज जो आपके पास आया तो वो आप लिखो। अच्छा एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, ये आया भी था 2018 में
सॉरी 2013 में ये आया था ये क्वेश्चन, सही है। तो एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए और आपको पार्ट थ्री ना आता हो कि एवरेज एक्सेलरेशन किस तरह फाइंड करना है, सही है, तो फिर आपने पार्ट फोर में क्या करना है, क्योंकि वो डिपेंड है पार्ट थ्री पे। तो आपने फिर क्या जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल वो नेगेटिव में आएगा बस। तो आपने सपोजिशन लेना है, सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको एवरेज एक्सेलरेशन यानी उन्होंने गिवन ना हो और आपको आता भी ना हो कि किस तरह फाइंड करना है, तो क्वेश्चन फोर के लिए आपने ऐसा फार्मूला लिख लेना है, 1500 आपको गिवन है और एवरेज एक्सेलरेशन आप सपोज करो कि लेट से एवरेज एक्सेलरेशन इज दिस, सो वी कैन फाइंड द एवरेज फोर्स लाइक इन दिस मेथड। तो आप इस तरह सॉल्व कर लो, सही है। ऐसा नहीं करना कि आपको क्वेश्चन थ्री नहीं आता तो क्वेश्चन फोर भी आप छोड़ दो, क्योंकि वो डिपेंडेंट है क्वेश्चन थ्री पे, सही है। अच्छा ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर फोर डायनामिक्स।